हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन के 865 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के बारे में। ये फिफ्थ जनरेशन का नेटवर्क है, यानी 5G मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आने वाले मोबाइल में आपको ये नेटवर्क देखने को मिल जाएगा या स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेस्ट प्रोसेसर है, यानी 855 के बाद अगला प्रोसेसर यही है 865 स्नैपड्रैगन का, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। आज मैं आपको उसको फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 14 या 15 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, क्योंकि मेरा चैनल नया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट जल्दी से कर देता हूं। आज हम तीन प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, 865, 855 और 845। ये तीनों ही प्रोसेसर बेस्ट है, लेकिन 865 में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 20% ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 855 वाले प्रोसेसर है, क्योंकि एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, यानी 5G प्रोसेसर है, जो कि आपको आने वाले मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। 5G मोबाइल तो आ चुके हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेसर अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। जो भी मोबाइल कंपनी 5G या जो भी इससे भी अच्छा मोबाइल निकालेगी, तो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 865 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस है, और इसमें आपको 20% ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने पुराने प्रोसेसर 855 वाले से। ये मीडियाटेक से भी थोड़ा अच्छा निकलेगा, और मीडियाटेक ने भी अपना 5G प्रोसेसर निकाल दिया है। चलिए आप बात कर लेते हैं इसकी सीपीयू की। तो फर्स्ट वाला प्रोसेसर है 865, सेकंड वाला है 855 और थर्ड वाला है 845। फर्स्ट वाले में आपको एक सिंगल कोर देखने को मिलेगा, जो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलेगा, जिनका कॉर्टेक्स A77 यानी क्रायो 585 देखने को मिल जाएगा। बाकी के तीन कोर इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलेगा, जिनका कॉर्टेक्स A77 है यानी क्रायो 585 सिल्वर देखने को मिल जाएगा। बाकी के चार कोर इसमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलेगा, जिनका कॉर्टेक्स A55 है यानी आपको 485 सिल्वर पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें 855 में, तो इसमें आपको सिंगल कोर 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलता था, जिसका कॉर्टेक्स A76 था, यानी आपको इसमें सीपीयू की स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती थी, जबकि 865 में आपको सीपीयू की स्पीड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी के तीन कोर इसमें आपको 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलेगा, जिनका कॉर्टेक्स A76 है, इसमें आपको स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती है, जबकि 865 वाले में भी आपको सीपीयू की स्पीड थोड़ी तेज देखने को मिलती है। जबकि चार कोर इसमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलेगा, जिनका कॉर्टेक्स A55 है, जो कि सेम है इसमें, और इसमें आपको बाकी के चार कोर जो भी बैटरी कंज्यूमेशन वाले कोर होंगे वो सेम देखने को मिलेंगे, यानी कम कंज्यूम करेंगे आपकी बैटरी को। बाकी के हम अगर बात करें 845 वाले प्रोसेसर में, तो इसमें आपको चार कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलते थे, जो काफ़ी अच्छा है, जिनका कॉर्टेक्स A75 है, थोड़ा सा कमजोर निकल के आता है 855 और 865 से। बाकी के चार कोर इसमें आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर देखने को मिलता था, जिनका कॉर्टेक्स A55 है, ये भी थोड़ा कम निकल के आता है 865 और 855 के। अगर हम बात करें इनके आर्किटेक्चर या प्रोसेसर की, तो इसमें आपको दो प्रोसेसर यानी 855 वाला और 865 वाला 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस देखने को मिल जाएगा, जबकि 845 वाला 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस है, ये भी एक अच्छा है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में जल्दी से। अगर हम बात करें कैमरा सपोर्ट की, तो आपको 865 में 200 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, 24 MP का सिंगल विद जीरो शटर लैग, 24 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, हाइब्रिड AF, HDR वीडियो, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें 855 की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सिंगल, 24 मेगापिक्सल का डुअल, हाइब्रिड AF, HDR वीडियो, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें 845 की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल, 16 मेगापिक्सल का डुअल, हाइब्रिड AF, HDR वीडियो, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको 865 में 200 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को है, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। अभी तक 108 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च हुआ है, 200 मेगापिक्सल का आपको फीचर में देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में जल्दी से। अगर हम बात करें वीडियो सपोर्ट की, तो 865 में आपको 8K 360 डिग्री 4K अप टू 120 FPS 10 बिट H.265 एंड VP9 वीडियो रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 855 और 865 में सेम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 845 की, तो इसमें आपको 4K UHD 60 FPS 10 बिट H.265 AVC एंड H.265 HEVC देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आपको DSLR की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8K का सपोर्ट देखने को मिलता है 360 डिग्री 4K टू अप टू, जो कि काफ़ी अच्छा है, जबकि 845 में आपको थोड़ा सा कमजोर दे यानी 4K का सपोर्ट देखने को मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में जल्दी से, इन तीनों प्रोसेसर के बारे में। अगर हम बात करें चार्जिंग स्पीड की, तो आपको 865 में क्विक चार्ज 4+ क्विक चार्ज AI का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि 855 में क्विक चार्ज 4+ और 845 में क्विक चार्ज 4+ आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 865 में, क्योंकि एक फिफ्थ जनरेशन का नेटवर्क है। जब तक हमने देखा है, जब आपको आधे घंटे में 100% चार्ज देखने को मिलता था MI के फोन्स में, जो कि काफ़ी अच्छा है, यानी 865 में आपको 20 मिनट में 100% का चार्ज देखने को मिल सकता है। ये हम गेस कर रहे हैं, शायद आ सकता है ऐसा 20% में 100% चार्ज, यानी 100 वोल्ट का चार्ज हो सकता है, कुछ कहा नहीं सकता अभी तक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में जल्दी से।
अगर हम बात करें इनके नेटवर्क स्पीड की तो 865 में आपको X55 5G RF सिस्टम देखने को मिलता है जो 7500 Mbps डाउनलोड स्पीड एंड 3000 Mbps अपलोड स्पीड देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 855 में जिसमें आपको X24 Lite LTE तो 2000 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है डाउनलोड, 316 Mbps अपलोड की स्पीड मिलती है। अगर हम बात करें 845 में तो आपको इसमें X20 LTE 1200 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 150 Mbps की अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा है, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना क्या क्या है इसमें आपको डाउनलोड स्पीड क्या देखने को मिलती है। 7500 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड और 3000 Mbps की अपलोडिंग स्पीड, ये तो अभी तक मैंने नहीं देखा। मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में जल्दी से। अगर हम बात करें DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की तो इसमें आपको 865 में हेक्सागन का 698, 855 में हेक्सागन 690 और 845 में 685 हेक्सागन विद HVX देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए गाइस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो यानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना और मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं गाइस अब अगले वीडियो में, यानी शाम को भी एक और वीडियो डालूंगा। आज संडे है तो मैं दो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।